हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कारपेंट्री व्यवसाय में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण प्लानिंग टूल्स या रंदाई करने वाले औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम शेष बचे हुए रंदों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, रंदे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण रंदे और दूसरे होते हैं विशेष प्रकार के रंदे। तो साधारण रंदे में हमने जैक प्लेन, स्मूथिंग प्लेन, फोर प्लेन, ट्राइंग प्लेन आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो में हम विशेष प्रकार के रंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन रंदों को विशेष प्रकार के रंदे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन रंदों का काम सतह को समतल करना न होकर के अलग अलग इनका काम होता है, जैसा कि हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए इनको विशेष प्रकार के रंदे कहा जाता है। विशेष प्रकार के रंदों में निम्न 8 प्रकार के रंदे शामिल किए जाते हैं। पहला रिबेट प्लेन, दूसरा एडजस्टेबल रिबेट प्लेन, तीसरा कंपास प्लेन, चार पे है स्पोक सेव प्लेन, पांचवा टूथिंग प्लेन, छह नंबर पे है राउटर प्लेन, प्लाउ प्लेन और लास्ट है कन्वेक्स और होलो प्लेन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिबेट प्लेन। यह लकड़ी या मेटल का बना कम मोटाई तथा अधिक ऊंचाई वाला प्लेन होता है। इसका प्रयोग लकड़ी के किनारे के समानांतर रिबेट काटने के लिए किया जाता है। इस रिवेट या पैताम का प्रयोग खिड़की या दरवाजों में शीशे के पैनल लगाने में किया जाता है। इस प्लेन में केवल एक ही ब्लेड होती है, इसमें कैप आयरन नहीं पाया जाता है। इन रंदों के ब्लेड की चौड़ाई 10 mm से 40 mm तक होती है। इस प्लेन की ऊंचाई 200 से 300 mm होती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस प्रकार की जो संरचना होती है, किनारे के समानांतर जो स्टेप सीढ़ी के जैसी संरचना बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं रिबेट। और रिबेट बनाने के लिए जिन प्लेन का प्रयोग किया जाता है, उन्हें रिबेट प्लेन कहते हैं। रिबेट प्लेन लकड़ी या मेटल दोनों के बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले रंदों में जाना था, उनमें दो ब्लेड होती थी, एक तो कटिंग ब्लेड, दूसरा कैप आयरन। परंतु इस रंदे में कटिंग ब्लेड ही होती है, कैप आयरन नहीं पाया जाता। और पैनल खिड़की दरवाजों में पैनल शीशे या फिर प्लाईवुड के पैनल लगाने के लिए रिबेट की आवश्यकता होती है। तो रिबेट काटने के लिए जिन प्लेन का प्रयोग किया जाता है या जिन रंदों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं रिबेट प्लेन। तो चित्र में दिखाया गया जो प्लेन है, ये मेटल वाला रिबेट प्लेन है और दूसरा ये है लकड़ी से बना हुआ रिबेट प्लेन। इसमें हम देख पा रहे हैं एक ही कटिंग ब्लेड है, ये लकड़ी का इसका ब्लॉक है, ये ब्लॉक साइड में से इस तरह से खुला रहता है। एडजस्टेबल रिबेट प्लेन, एडजस्टेबल रिबेट प्लेन का उपयोग भी रिबेट काटने के लिए किया जाता है। इस प्लेन में गहराई और चौड़ाई को समायोजित करने के लिए फैंस का उपयोग किया जाता है तथा इस प्लेन में ब्लेड के पहले एक स्पर लगा होता है जो रेशों को काटने में मदद करता है। चित्र में जैसा हम देख पा रहे हैं, ये एडजस्टेबल रिबेट प्लेन है। इसमें दो फेंस लगी होती हैं, एक तो ये इसके तले वाले भाग में लगी होती है जो कि रिबेट की चौड़ाई को निश्चित करती है। हम चौड़ाई के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। और दूसरी ये फेंस जो ब्लेड की डेप्थ ज़्यादा गहराई में जाने से इसको रोकती है। और इस प्लेन में ब्लेड से पहले कटर लगा होता है या चाकू लगा होता है। जब हम इस रंदे को चलाते हैं तो इसमें लगा चाकू ब्लेड से पहले लकड़ी के रेशों को काट देता है या तोड़ देता है। उसके बाद ब्लेड के द्वारा रेशों की कटाई करने में आसानी हो जाती है। अब आता है कंपास प्लेन। कंपास प्लेन का प्रयोग उत्तल व अवतल दोनों प्रकार की लंबी गोलाइयों को रंधने में किया जाता है।
इसका जो सोल तला होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो इसे, यह है कंपास प्लेन। इसमें एक नोब लगी होती है जिसको टाइट या लूज करके हम इसके तले को अवतल या उत्तल बना सकते हैं। तो ये अवतल व उत्तल दोनों प्रकार की गोलाइयों को रंधने के लिए इस रंधे का प्रयोग किया जाता है, और बाकी सभी पार्ट इस रंधे के समान होते हैं। इसमें दो प्रकार की ब्लेड लगी होती है, वही कैप आयरन लगा होता है, बस फर्क यही होता है कि इसका जो सोल तला होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रयोग। यह पूरी तरह से मेटल का बना प्लेन होता है, इसमें दो हैंडल लगे होते हैं तथा एक ब्लेड व एक कैप आयरन होता है जिसको एक स्क्रू के माध्यम से फिक्स किया जाता है। समतल, खोखले तथा बाहरी गोलाइयों की रंदाई करने के लिए इस रंदे का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मेटल से बना ये एक प्लेन है साधारण सा, जिसमें दो हैंडल लगे होते हैं, एक ये और एक ये। एक इसमें ब्लेड लगी होती है, उसके ऊपर कैप आयरन, और एक स्क्रू के माध्यम से इस कैप आयरन और ब्लेड को इस रंधे में फिट किया जाता है। इस रंधे का प्रयोग खोखली, समतल व बाहरी गोलाइयों की रंदाई करने के लिए, यानी बाहरी सतह की जो गोलाई होती है उनकी रंदाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है टूथिंग प्लेन। इस प्लेन का ब्लेड साधारण ब्लेड से अलग होता है। इसकी ब्लेड का कटिंग एज सीधा न होकर दांतेदार होता है। इस प्लेन का प्रयोग सतह को रफ या खुरदरा बनाने के लिए किया जाता है, ताकि सतह पर गोंद या फेविकोल लगाकर सनमाइका अच्छी तरह से लगाई जा सके। अब तक हमने जितने भी प्लेन या रंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उन सभी रंधों के द्वारा लकड़ी की सतह को समतल या चिकना बनाया जाता था, परंतु इस रंधे की ब्लेड का जो कटिंग एज होता है वो सीधा न होकर के दांतेदार होता है, जिस कारण से जब हम इसे लकड़ी पर चलाते हैं तो लकड़ी की सतह पर झिरी बन जाती है। तो इस रंधे का प्रयोग उस जगह किया जाता है जब हमें लकड़ी की सतह पर सनमाइका लगानी होती है, तो इस रंधे का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सतह को खुरदरा बना देते हैं, ताकि उन दरारों या झिरियों में फेविकोल या गोंद अच्छी तरह से फंस के सनमाइका या सीट को चिपकने में मदद कर सके। तो जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, इसकी ब्लेड के कटिंग एज दांतेदार होते हैं। अब आता है राउटर प्लेन। आरी या चीजल के द्वारा काटी गई झिरी की सफाई करने के लिए इस प्लेन का प्रयोग किया जाता है। यह प्लेन रेशों के आर पार भी काटी गई झिरी को बहुत अच्छे से साफ कर सकता है। इस प्लेन में दो हैंडल लगे होते हैं तथा एक फैंस होती है जिसके द्वारा इसको सीधा चलाने में मदद मिलती है। इसकी ब्लेड को एक थंब स्क्रू के द्वारा टाइट किया जा सकता है। इसमें अलग अलग चौड़ाई की ब्लेड को सेट किया जाता है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये है राउटर प्लेन। इसमें ये फेंस लगी होती है जिसके द्वारा इसको सीधा चलाने में मदद मिलती है। दो हैंडल होते हैं, ये इसकी ब्लेड होती है और ये ब्लेड का एडजस्टमेंट होता है, और इसका प्रयोग आरी या चीजल के द्वारा जब हम झिरी बनाते हैं तो बनी हुई झिरी असमतल और खुरदरी होती है, जो देखने में भद्दी लगती है। तो झिरी को साफ करने के लिए इस रंधे का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी शुद्धता से झिरी को साफ करने में सहायक है। अब आता है प्लाउ प्लेन। इस प्लेन को झिरी रंधा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग लकड़ी के किनारे के समानांतर झिरी काटने में किया जाता है। इसमें 3 mm से 16 mm तक की चौड़ाई के 8 अलग अलग ब्लेड आवश्यकता अनुसार लगाए जा सकते हैं। इस प्लेन में झिरी की गहराई को नियंत्रित करने के लिए एक डेप्थ गेज लगा होता है, जिसे एक थंब स्क्रू से टाइट किया जाता है।
ये जो प्लेन हम देख पा रहे हैं ये प्लाउ प्लेन है, इसे झेरी रंदा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग झेरी काटने में किया जाता है। जैसा हम देख रहे हैं इसमें 3 mm से 16 mm तक की चौड़ाई के, यानी अलग अलग चौड़ाई के इसमें 8 ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। तो इन ब्लेडों को आवश्यकता के अनुसार हम इस रंदे में सेट करके झेरी बना सकते हैं। और इस रंदे में झेरी की गहराई को नियंत्रित करने के लिए एक डेप्थ गेज लगा होता है, जिसके कारण ब्लेड नियंत्रित रहती है। जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी ही गहराई की हमें झेरी इससे प्राप्त होती है। ये रंदे भी मेटल या फिर लकड़ी के बने होते हैं। ये जो हम देख पा रहे हैं ये मेटल का बना हुआ है, और ये वाला जो प्लेन है ये भी प्लाउ प्लेन है, ये बना हुआ है लकड़ी का। अब आता है कॉन्वेक्स एंड होलो प्लेन। ये एक प्रकार के मोल्डिंग प्लेन होते हैं जिनका तला व ब्लेड बनाई जाने वाली सतह के अनुसार होता है। इसके अलावा इन प्लेन का प्रयोग आंतरिक व बाहरी, उत्तल व अवतल दोनों प्रकार की गोलाइयों की रंदाई करने के लिए किया जाता है। कॉन्वेक्स व होलो प्लेन एक तरह के, जैसा कि हमने भी पढ़ा था, मोल्डिंग प्लेन होते हैं, यानी जैसी हमें सतह बनानी होती है उसके अनुसार ही इन रंदों का या इन प्लेन का तला या ब्लेड होती है। जैसा हम देख रहे हैं हमें इस प्रकार की अगर संरचना लकड़ी में बनानी है तो इसमें इसका तला भी इसी प्रकार का है, मोल्डिंग बनी हुई है, और इसकी ब्लेड भी तले के अनुसार बनी हुई है। जब हम इसको लकड़ी को चलाएंगे तो इससे बनने वाली संरचना भी मोल्डिंग ही बनेगी। दूसरा जो प्रकार है इस तरीके का है, इसमें भी ब्लेड और तले की संरचना बनाई जाने वाली आकृति के अनुसार है। ये भी जैसा कि हमें राउंड बनाना होता है तो इसके तले को खोखला किया हुआ है, और इसके ब्लेड भी इसी तरीके से कटी हुई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाले वीडियो में हम रंदों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।